हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला दिवाली के लिए क्विक सा मेकअप लुक, जिसमें मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करा है। बिल्कुल ही इसको मैंने सिंपल रखा है। सबसे पहले मैंने अपनी ये स्किन केयर रूटीन जो है उसको अच्छे से फॉलो करूँगी, क्योंकि जब हम स्किन केयर रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो उसके बाद अगर हम हल्का फुल्का मेकअप भी कर लेते हैं तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ही ग्लोई ड्यूई एंड फ्लॉलेस नज़र आता है। आपको बहुत ज़्यादा भर भर कर मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन को अच्छे से कंप्लीट करा है। अब मैं हल्का फुल्का बीबी क्रीम के साथ ही मेकअप करूँगी। मैंने एक ये वाला स्विस ब्यूटी का जो है ग्लो के लिए प्राइमर अप्लाई करा है। ये ग्लोई प्राइमर है, आपकी स्किन को हल्की हल्की शाइन प्रोवाइड करता है। तो अब मैं बीबी क्रीम के साथ बिल्कुल हल्का सा बेस अप्लाई करके फिर उसके बाद मैं अपना जो आईब्रोज़ वगैरह होते हैं इन चीज़ों को डन करके एक अपने सूट के साथ मैचिंग आईलाइनर के साथ इस लुक को मैं कंप्लीट करूँगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे मेकअप लुक्स जो हैं वो कैसे लगते हैं। मैं मेकअप लुक्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बनाती हूँ, आप सबके लिए ईजी सा ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हर किसी के पास नहीं होता है फेस्टिवल्स में रेडी होने के लिए। या कभी कभार क्या होता है, किसी वेडिंग में जा रहे हैं या फंक्शंस में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा अगर हम लाउड मेकअप करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं। तो नेचुरल साइड पर ही मैं रखती हूँ हमेशा मेकअप को, और कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपने मेकअप लुक्स हैं उनको जो क्रिएट कर रही हूँ वो बिगिनर्स भी देख करके सीख जाए और इजीली अपने चेहरे पर अच्छा सा एक मेकअप लुक क्रिएट कर पाए। तो इस तरह से मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो बिगिनर्स हैं वो मेकअप सीखे मेरे से, जो बिल्कुल भी जिनको मेकअप करना नहीं आता है। तो मैं तो आपके साथ अपनी बातें शेयर करती रहती हूँ जिससे कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड फील कर सकें, लेकिन आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स करा कीजिए वीडियोस को देख करके कि आपको मेकअप लुक्स में क्या अच्छा लगता है, या फिर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं जो कि मुझे बताना चाहते हैं कि आप ऐसा कीजिए दी या फिर ऐसा कीजिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताया कीजिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आगे आपके साथ और भी प्यारे प्यारे मेकअप लुक्स वगैरह या वीडियोस जो भी आप देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके सजेशन दिया कीजिए। मैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को लाने की कोशिश करूँगी। आगे मैं हॉल वीडियोस भी लेकर के आऊँगी, आप मुझे कमेंट करके सजेशन दीजिएगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। एक मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये जो अभी मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ ना हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए और ब्लशिंग इफेक्ट के लिए, ये स्टिक बहुत ही अच्छी है विंटर्स के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है कि चेहरे के ऊपर जो हाइलाइटर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही लाउड सा लगता है कभी कभार, लेकिन ये वाला जो हाइलाइटर है इसके साथ बहुत अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल भी आपके पास भी अगर कोई खड़ा है तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने हाइलाइटर अप्लाई करा है। आपका चेहरा नेचुरली जैसे ग्लो करता है वैसा ही इसका रिजल्ट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये रेने की स्टिक है, इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। और ये मैंने नई एक पैलेट मंगवाई थी कुछ टाइम पहले, ये मार्स की है, लिप पैलेट है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जो लोग मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक्स के शेड बना करके अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपको बहुत सारी लिपस्टिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप मिक्स एंड मैच करके अपनी शेड बना सकते हैं जैसी आपको चाहिए। तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी और शेड्स भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये देखिए, बातों ही बातों में मेरा मेकअप डन हो गया है। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको जल्दी से होने वाला मेकअप लुक। मैंने आई लुक को भी सिंपल रखा है। बाय बाय।